तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वापस से तुम लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो एवेंजर्स की मांगा। तो चलो डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर कूदते हैं। तो अगर तुम्हें पिछले चैप्टर का कुछ याद ना हो तो हो सके तो वापस से पिछले चैप्टर देख लेना, और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे चैप्टर का कि क्या हुआ था। तो बेसिकली सब जो थे अपने तोमान में, सब लोग हार चुके थे इन द सेंस, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ सके। ताकि मिची वो अकेला इंसान था जो पूरे तोमान को अपने बैक पर लेकर खड़ा था सबके आगे, और पूरी कांटोमान जी से अकेला लड़ रहा था। और उसी के बीच में चिफुयू ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वो आकर ताकि मिची को हौसला देने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया, और उसने बोला कि ताकि मिची तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे टोक्यो एवेंजर्स के चैप्टर 262 में। तो चैप्टर 262 के पहले पेज में हम देखते हैं कि चिफुयू काफ़ी जोश में होता है और वो कहता है, जब तक ताकि मिची खड़ा है मैं उसकी सुरक्षा करूँगा चाहे जो भी हो जाए। और उसके बाद मित्सुया बोलता है, चिफुयू। और उसके बाद इनोपी भी कहता है, वो बंदा अभी भी खड़ा कैसे है, हाँ इतना थकने के बाद भी। और संजू भी काफ़ी शौक होती है। और उसके बाद चिफुयू कहता है, तोमान कभी नहीं हारेगी, आ जाओ कांटोमान जी गैंग, इसे अभी के अभी निपटाते हैं। और ताकि मिची के चेहरे पर काफ़ी प्राउड स्माइल होती है चिफुयू को लेकर, और कांटोमान जी भी थोड़ी मतलब टेंस लग रही होती है, पर माइकी और हार्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, सिर्फ सांजो ही थोड़ा टेंस होता है। और उसके बाद दोस्तों मित्सुया चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि चिफुयू काफ़ी शौक में होता है कि मित्सुया खड़ा हो गया अचानक से। और मित्सुया कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी हौसला दे दिया है चिफुयू, हम इसे यहाँ पर खत्म नहीं होने देंगे, क्यों है ना दोस्तों, चलो अब उठ जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके सब के सब अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। और एंग्री कहता है, हाँ अगर तुम ऐसा बोलोगे तो हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सब खड़े हो जाते हैं। और संजू कहती है, तो ठीक है आखिर मैं यहाँ पर रेंग ही क्यों रही हूँ, हाँ चलो इसे पहली और आखिरी बार खत्म करते हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आती है, टोक्यो मांजी गैंग, अभी हम खत्म नहीं हुए हैं। और दोस्तों हम ताइजू को देख, जो कि स्टैप्ड होने के बावजूद टोक्यो एवेंजर्स का फ्लैग लेकर खड़ा होता है और हकाई उसे थोड़ा सपोर्ट दे रहा होता है। और उसके बाद ताकेमिची काफी खुश होता है एक्चुअली ताइजू को देख के, क्योंकि वो काफी मतलब फिक्र कर रहा था उसके लिए, क्योंकि जब से उसे तलवार लगी थी। और उसके बाद सांजू कहता है, छे आखिरकार वो चोट इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी। और देखते हैं कि दोस्तों हम तोमान के ऐसे चिल्लर पिल्लर मतलब साइड कैरेक्टर जो कि कुछ काम के नहीं है, वो भी तोमान तोमान चिल्ला के खड़े होने लगते हैं। वैसे इनका कोई रोल नहीं है, बस खाली ज़बरदस्ती आ गए फ्रेम में। और उसके बाद हनुमा कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो तोमान के लौंडे दोबारा से खड़े हो रहे हैं, बहुत जोश है तुम में, क्या बात है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है, तुम लोग शुक्रिया। और उसके बाद दोस्तों माइकी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, इतनी बार वो लोग चिल्ला रहे होते हैं। और अचानक से ही माइकी ताकेमिची के पास पहुंच जाता है और ताकेमिची समझ जाता है माइकी की आंखों को देखकर कि अब उसके लगने वाले हैं। और माइकी उसे खतरनाक घूसा मारता है मुंह पर, और ताकेमिची कई फीट दूर जाके गिरता है। तभी चिफुयू कहता है, हाँ ताकेमिची। तभी माइकी अचानक से उसके पास आ जाता है और एक खतरनाक किक उसके भी मुँह पर जड़ देता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दूर जाकर गिर जाते हैं। और उसके बाद सांजो काफ़ी बड़े स्माइल के साथ कहता है, आखिरकार वो आ गए डार्क इम्पल्सेस, मैं इसके लिए काफ़ी देर से रुका हुआ था माइकी, इस मोमेंट के लिए क्या बात है। और उसके बाद मित्सुया कहता है, वो माइकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइकी अपना केक सांजो के गले पर लैंड करता है, जिससे सांजो बुरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। फिर हनुमा कहता है, सांजो हे माइकी, कि क्या तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम दोनों सेम टीम में हैं, आखिर तुम हमें क्यों मार रहे हो। और उसके बाद माइकी कहता है, सेम टीम में हो तो मैं क्या करूं। और उसके बाद दोस्तों हनुमा का भी वो वही हाल करता है जो उसने बाकी सबका किया, उसे भी वो एक जोर की लात जड़ देता है जिससे हनुमा भी नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद चिफुयू कहता है, क्या वो तो अपने दोस्तों को ही पीट रहा है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग अपने पैरों पे खड़े होते हैं, लिटरली जितने भी लोग खड़े होते हैं, उनको सिर्फ एक ब्लिंक ऑफ एन आई में माइकी हटा देता है। मतलब ऐसे लोगों ने पलक झपकाई और ऐसे 100-200 बंदे ऐसे ही गायब, तूफान की तरह भाई, तूफान की तरह। और उसके बाद दोस्तों स्माइली कहता है, कि क्या तुम सच में माइकी ही हो या तुम कोई और हो।
और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइक ही किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा होता, वो बस निर्दयी लोगों की तरह अपने दोस्तों को और दुश्मनों को लगातार मारे जा रहा होता है। और एक मोमेंट आ जाता है जब सब के सब जमीन पर होते हैं और माइक ही अकेला खड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोक्यो रेंजर्स का चैप्टर 262 खत्म होता है और 263 की शुरुआत करते हैं। तो 263 के पहले पेज में हमें फाइट नहीं दिखाई जाती है, हमें माइकी का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे हम माइकी और उसके पापा को देखते हैं। और माइकी अपने मन में कहता है, मेरे पास अपने पापा को लेकर बस एक ही याद है। और हम देखते हैं कि उस मेमोरी में माइकी के पापा उसके लिए खिलौना लेकर आए होते हैं और वो कहते हैं, हे मांजीरो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आया हूँ, ये अमेरिकन हीरो काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी ज्यादा कूल है। फिर माइकी कहता है, क्या ये ताकतवर है? और उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि उसके पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब वो सिर्फ 3 साल का था। और उसके बाद दोस्तों हम एक टकले बच्चे को देखते हैं जो कि कहता है, हे मैं शिबुया में 3rd ग्रेड में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और तभी माइकी वहां पे पीछे से आता है और कहता है, हाँ तुम। और उसके बाद दोस्तों माइकी उसे बहुत ही जोर की लात मारता है और उसके बाद वो बंदा दूर जाकर गिरता है। और माइकी कहता है, हाँ कुछ भी, मुझे कमजोर लोगों से नफरत है। आखिर तुम अपने आप को समझ क्या रहे थे, तुम कुछ भी नहीं हो, समझे। और उसके बाद दोस्तों उस बंदे को पीटने के बाद माइकी अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी आज मैंने एलिमेंट्री के 3rd ग्रेड के एक बंदे को बहुत पीटा। और उसकी माँ हल्की से स्माइल के साथ कहती है, तुम काफी ताकतवर हो मांजीरो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। और उसके बाद मांजीरो हमें बताता है कि वो हर हफ्ते अपनी माँ से ऐसे ही मिलने जाता था और उसके बाद वो बच्चों को पीटता था। और उसके बाद वो मतलब सारी कहानी मतलब इनडायरेक्टली वो अपनी मम्मी से मिलने जाता था और फिर वो बच्चों को पीटता था और फिर वो अपनी माँ को जाके सारी की सारी कहानी बताता था। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी दोबारा से पार्क में कुछ बच्चों को पीट रहा होता है और वो बच्चे रोने लग जाते हैं। फिर वो वापस अपनी माँ के पास आता है और उनको सारी बात बताता है कि कैसे वो उन बच्चों को मार रहा था और वो अचानक से रोने लगे। फिर माइकी की मॉम कहती है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो आसानी से रोने लगते हैं। फिर माइकी कहता है, क्या तो मतलब मेरे पापा भी आसानी से रो देते थे? और उसके बाद उसकी माँ कहती है, मुझे याद करने दो, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे पापा कभी लोगों के सामने रोए थे। वो बंदा किसी काम का नहीं था, उससे कोई भी उम्मीद लगाना बेकार था। और उसके बाद माइकी अपने मन में कहता है, जब भी माँ पापा के बारे में बात करती थी तो उनके चेहरे पे काफी अच्छी मुस्कान आती थी। और उसके बाद माइकी कहता है, मॉम आप पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, क्यों है ना? और उसके बाद उसकी माँ कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? और उसके बाद माइकी कहता है, तो मैं भी आपके लिए पापा जैसा ही बनूंगा, बिल्कुल। और उसके बाद दोस्तों हम शिनिचिरो को देखते हैं जो कि कहीं भागते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे माइकी और उसके ग्रैंडपा और एम्मा खाना खा रहे होते हैं। तभी शिनिचिरो कहता है, ग्रैंडपा मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, माँ काफ़ी ज़्यादा बेकार हालत में है, हमें उन्हें तुरंत ही देखने जाना होगा। तभी दोस्तों सबके सब माइकी के मॉम को देखने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब यह शायद आखिरी बार होगा जब आप उनसे बात करेंगे। और उसके बाद ही दोस्तों हम माइकी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को उनके डेथ बेड पर मिलने आया होता है और वो कहता है, माँ आज मैं एक और लड़ाई जीता, कमज़ोर लोग काफ़ी जल्दी रो देते हैं पर मैं कभी नहीं रोऊंगा, इसी वजह से मॉम मैं आपको हमेशा बचा के रखूंगा, तो प्लीज घर वापस आ जाओ। और उसके बाद दोस्तों माइकी की माँ कहती है, मांजीरो तुम इस वजह से ताकतवर नहीं हो क्योंकि तुम रोते नहीं हो, तुम भी काफ़ी ज़्यादा रोया करते थे जब तुम छोटे बच्चे थे, बहुत ज़्यादा, तब तो तुम इतना रोते थे कि पूछो मत, मेरे प्यारे एंजल। और उसके बाद माइकी थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, हे मॉम ये सब आप क्या बातें कर रही हो, वो तब की बात है जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, वो बातें अभी इम्प्लीमेंट नहीं होती मेरे ऊपर। और उसके 3 दिन बाद दोस्तों माइकी की मॉम की डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं सिवाय माइकी के। माइकी अपनी माँ के डेथ बेड के आगे नहीं रोता है, वो जाकर पीछे स्टेयर्स के नीचे बहुत ज़्यादा रोता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से माइकी के कुछ लड़ाई देखने आ जाते हैं जहाँ पे दोबारा से कुछ लड़के उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं और आखिरकार तुम्हें पता है क्या होने वाला है, वो ज़बरदस्ती माइकी को तंग करने की कोशिश करते हैं पर माइकी उन्हें इतना ज़्यादा मारता है कि भाई मत पूछो,
मार मार के भाई मुंह फाड़ देता है लिटरली लॉन्डो का। और उसके बाद दोस्तों हम माइक की और हरुचियो का सीन देखते हैं, जहाँ पे माइक इन्हें हरुचियो के गाल फाड़ दिए होते हैं और वो लिटरली डेविल की तरह उसे कह रहा होता है, हंसो हंसो सांजो हंसो, कमज़ोर लोग ही हैं जो आसानी से रो देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे माइक की और हरुचियो और बाजी तीनों होते हैं और बाजी कहता है, हे तुमने 3 हाई स्कूलर स्टूडेंट्स को अकेले ही हरा दिया जबकि तुम 5th ग्रेड में हो, क्या तुम कोई शैतान हो। और उसके बाद हरुचियो कहता है, जैसा मैंने सोचा था माइक ही कमाल गए। और उसके बाद माइकी कहता है, या। और उसके बाद बाजी कहता है, बाय द वे माइकी क्या तुमने यामामोटो के बारे में सुना है क्लास 2 से। और माइकी कहता है, कौन। और उसके बाद दोस्तों सांजो कहता है कि अरे एक्चुअली उसे कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे ब्लैकमेल कर रहे थे, तभी उसे 4th क्लास के एलिमेंट्री स्कूल के किसी बच्चे ने बचाया। फिर सांजो दोबारा से कहता है कि सिर्फ यही नहीं, वो भी हमारी तरह 5th ग्रेड में है और उसके सर के बगल में ड्रैगन का टैटू भी है। और फिर बाजी कहता है कि आखिर ये बंदा किस तरह का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक उसका नाम ड्रैगन है, है ना। और उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है, काफ़ी अजीब नाम नहीं है ये, खैर छोड़ो। और उसके बाद दोस्तों वो चलते हुए सोच रहा होता है, मेरे हिसाब से अभी भी हम काफ़ी कम लोग हैं, हमें और लोग चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम वापस से उस मोमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे माइकी पहली बार ड्रैगन से मिला होता है और वो ड्रैगन को तुरंत ही उसका टैटू देखकर पहचान जाता है और कहता है, हाँ टैटू सर के बगल में, ये वही है, ये लड़का, ये ड्रैगन है। और उसके बाद वो तुरंत ही ड्रैगन के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे 48 पोजीशंस हर जगह फैले हैं क्यों, है ना। और उसके बाद ड्रैगन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहता है कि क्या। और उसके बाद माइकी कहता है, मुझे ताकतवर लोगों से प्यार है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी बन चुकी है तो कोई सेंस नहीं बनता कि मैं एक और चैप्टर कवर करूँ, बट टेंशन मतलब फटाफट एक दो दिन के डिले में वीडियो आती रहेगी। और जहाँ तक बात है कि मैंने बाकी एनिमे की जो बात की थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे ब्लू लॉक करने के लिए बोला, बहुत लोगों ने ब्लू लॉक बोला, बाकी एनिमे के थोड़े कम रिकमेंडेशन आए, तो टेंशन मतलब मैं धीरे धीरे सब करूँगा, बट अभी थोड़ा मेरे को डिमांड के ज़्यादा चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जितने मैंने सजेशंस दी थी या जितने तुम लोगों ने सजेशंस दी उसमें ब्लू लॉक सबसे बेस्ट एनिमे है भाई। लिटरली मैंने उसकी पूरी मांगा और एनिमे 4 दिन के अंदर ख़त्म कर दी, 200 चैप्टर भाई, 200 चैप्टर कुछ होता है, मैंने 4 दिन में ख़त्म कर दिए। इतनी तगड़ी एनिमे है ना, तुम देख के तुम्हें प्यार हो जाएगा यार, तुम टेंशन मतलब मैं अभी एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ, मैं एपिसोड 1 से एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ, तुम देखना भाई, नहीं प्यार हुआ तो तुम छोड़ देना जगह पे, ठीक है। तो ब्लू लॉक का वेट करो और बाकी ये चैप्टर तो आ ही चुका है और कल ब्लू लॉक आएगा और उसके बाद फटाक से वापस टोक्यो रेंजर आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।